हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं का दौर जारी है और कांग्रेस की सीट के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर जनसभा करने के लिए आई हुई हैं वरिष्ठ नेता श्रीमती किरण चौधरी। मैडम अभी तक मैं आपका स्वागत। जी जी धन्यवाद। मैडम 5 साल हमारी आप कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस के नई एमपी नहीं थे, उससे पहले श्रुति एमपी थी, तो 5 साल में भिवानी ने क्या खोया? श्रुति यहाँ से जब एमपी बन के निकली जी, उसने कोई ऐसी गली नहीं है भिवानी की जहाँ पे पानी की और सीवर की लाइन ना बिछाई हो, ऑथराइज कॉलोनीज में, अनऑथराइज कॉलोनीज में बड़े बड़े सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं श्रुति के देन है, मेडिकल कॉलेज श्रुति की देन है, एनसीआर श्रुति की देन है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं श्रुति ने यहाँ पर करवाए, जैसे कचरा प्रबंधक का जो था प्रोजेक्ट वो हमारे को मिला नहीं, वो उठा के ले गए कहीं और। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो एमपी का इख्तियार है वो श्रुति ने अपने कार्यकाल में करा। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 5 साल में बहुत बड़े बड़े वायदे करके बीजेपी ज़रूर आई, 15 लाख का जुमला दिया और बहुत बड़े बड़े जुमले दिए, लेकिन असलियत के अंदर क्या किया, क्या धरातल के आप पर आप देख लीजिए, व्यापारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सारे के सारे इश्यूज़। और जो इतना करोड़ों रुपया सीवर और पानी के लिए लगाया था आज वो जो है मेंटेनेंस तक नहीं हो पाई, तो ये सरकार जो है किसी भी तरह से लोगों को काम करने में विफल रही है और इसलिए आप देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त जन समर्थन जो है श्रुति को मिल रहा है। मैडम दुष्यंत चौटाला जी ने श्रुति चौधरी को मोनी बाबा के उन्होंने मोनी बाबा बोला कि वो संसद में जाके कभी बोलती नहीं, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष में कुछ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो तभी उन्होंने ये बात कही है, शायद उनको ये नहीं मालूम एनसीआर जो है ये ऐसे नहीं हो सकता था, एनसीआर के अंदर जो इतना बड़ा काम करा है जो वो भी नहीं करवा पाए अपने इलाके के लिए, वो श्रुति चौधरी ने करवाया और वो केवल इसलिए करवा पाया क्योंकि वो सांसद वहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चुन के गई। दूसरी बात, श्रुति ने कितना बड़ा काम करवाया था कि आपका जो है आपदा के अंदर जो है पाला नहीं आया करता था, पाला शब्द को जो है आपदा के अंदर डलवाया, तो ये सारी के सारे काम जो है विधान पार्लियामेंट में बोलने के बाद ही होते हैं भाई, और वो अगर ऐसी बात करते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसका मतलब बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं और उनके पास और कोई बात रही नहीं है। मैडम जनसभाओं का दौर जारी है, आप लगातार जनसभाएं कर रही हैं, जीत श्रुति की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? श्रुति यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी और मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, इसलिए कि लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, लोगों का मान सम्मान जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने लोगों का काम करके दिया है। हम जो वोट मांगने आते हैं हम अपने काम के बल पे आते हैं, किसी के मुंह के नाम के दिखाई की वोट नहीं मांगते।